तो हम मटन अगवानी बोटी से अपनी रेसिपीज की शुरुआत करते हैं। जरा ये खोलिए और मुझे दिखाइए गोश्त कैसे कटा हुआ है, क्या है मटन का, कौन से हिस्से का गोश्त इस कबाब के लिए बेहतर है? बैक साइड का गोश्त चाहिए होगा। बैक साइड जी, मटन बैक साइड बोनलेस होगा जाहिर है। और ये दिखाएं बोटियां कितनी बड़ी हैं, ये सब दिखाएं, ये ऑन कैमरे में दिखाएं, ऐसे उठा उठा के प्रोमिनेंट बिल्कुल करें इसको, इन चीजों को साथ इस आपने, बोटी, अच्छा सुने साथ आपने ये भी लिया जी, क्या कहते हैं ये क्यों लेते हैं? मैम ये जरा क्रिस्पी होते हैं और अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छा तो ये ऐसे आपने इसमें लिया, ठीक है। कितना किलो गोश्त है ये जिसमें आपने? तकरीबन हाफ के जी। हाफ के जी, उसके हिसाब से मसाला बताएं, ठीक है। ये हम बना रहे हैं अगवानी बोटी, मटन अगवानी बोटी। मैम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे गार्लिक जिंजर का पेस्ट, सही है, एक स्पून, ठीक है। ये सब बारबेक्यू आइटम है, दिमाग में रहिए, दिमाग में रखिए कि ये बारबेक्यू आइटम हम आपको सिखा रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे पपाया। पपाया जी, वही कच्चा पपीता सॉफ्ट हो बिल्कुल, ठीक है। ये भी एक स्पून डालेंगे, ठीक है। इसके पास के सॉल्ट डालेंगे मैम। क्या डालेंगे? सॉल्ट। सॉल्ट, ठीक है, ये हाफ स्पून जाएगा। हाँ, बारबेक्यू में कच्चा पपीता नहीं डलता, पक्का डलता है। जी मैम, ताकि गोश्त के अंदर जा सके वो, ठीक है। कच्चा जो मैं करती थी, मैं कच्चा पपीता डाल देती थी, उस पर कड़वाहट आ जाती थी, ठीक है। तो मसाले के डब्बे होते हैं ना, उसके पीछे रेसिपी लिखी होती है, जो डब्बे के मसाले हम लेते हैं, कच्चा पपीता। इसके अंदर डालेंगे व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर यानी दक्षिणी मिर्च जी। ये कितनी है? हाफ स्पून। हाफ टेबल स्पून जी। अच्छा, आई रिपीट, दिस इज फॉर दिस मसाला, दिस मैरिनेशन इज फॉर आधा किलो बोनलेस, ठीक है। अगवानी बोटी बन रही है, हाँ, टेबल स्पून का आधा लिया आपने। इसके अंदर मैम ऑयल डालेंगे। अब ऑयल कितना है? ऑयल तकरीबन एक स्पून डाल दें। एक स्पून जी, ठीक है। इसके बाद अगवानी बोटी में इतने मसाले नहीं होते जी, बिल्कुल। हाँ। इसके अंदर मैम प्याज का पानी डलता है। प्याज का पानी क्यों डलता है? प्याज का पानी मैम इसलिए डलता है ताकि इसके अंदर सॉफ्टनेस और एक क्रिस्पी पन आ जाए, थोड़ा महक। अच्छा। जो होती है मटन के अंदर एक महक होती है। अच्छा जी, और खासतौर पर कुर्बानी के जी, बिल्कुल, तो इसलिए आप इस पे प्याज का पानी डालते हैं। मुझे दिखाएंगे प्याज का पानी? मैम प्याज का पानी हमने पपाया में मिलाया था, पपाया उसके अंदर ब्लेंड करके मिला दिया था। ये अच्छा आइडिया कि हम भी पपाया में मिला सकते, ठीक है। प्याज का पानी किस तरह निकालेंगे ये भी बता दीजिए। मैम प्याज को ग्राइंड किया, उसके बाद उसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डालना है, उसको स्टैंडर्ड के अंदर रख दें और पानी निकल आएगा जी। डन, ठीक। अब आपने ये कर लिया, इसके बाद इसको मिक्स करना है, ठीक है। और ये मैरिनेशन के लिए आपने कितनी देर छोड़ा? तकरीबन दो घंटे मैरिनेट करके रखा। अच्छा, ये जो रेशो हमने मसालों का आपको बताया, ये आधा किलो मटन के लिए, आप जितने भी किलो बना रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करते जाए, ठीक है, ठीक है। डन, ये हो गए, ये हमने लगा दिया मसाला अगवानी बोटी, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ले जाऊंगी अपने बारबेक्यू की तरफ, इसको पिरोएंगे कैसे? हर कबाब को पिरोने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है, अगवानी बोटी को पिरोने का तरीका क्या है, प्लीज जरा मुझे ये बारबेक्यू की तरफ ले जाकर दिखाया जाए, फिर मैं अगले मसाले। हाँ, क्या? अच्छा, क्या सवाल है? अच्छा, मैं दोबारा से आपसे सवाल कर रही हूँ, बारबेक्यू वालों आवाज आ रही है? मेरा सवाल ये है कि इसको अगवानी बोटी को पिरोने का तरीका दिखाएं मुझे। जी, अफगानी बोटी में पहले ये एक फेट और बोटियां होती है, एक फेट और एक बोटी एक साथ लगानी होती है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में दो तीन दफा जो है फेट और दो तीन दफा जो है बोटियां लगाएंगे और इसको जो है हाँ। फिर बारबेक्यू पर रख देंगे कोयले पर। हाँ। यह आपके सामने बड़ी जा रही है। आपने दो बोटियां लगाई, एक फैट लगाया है ना, इस तरह करके बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ठीक है। तो उस फैट जो आप फैट बीच में लगा रहे हैं उसकी वजह से गोश्त को भी कोई फायदा होगा, वो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगा, मॉइस्चराइज रहेगा, इसके एक अपना अरोमा होता है जो गोश्त में इन्फ्यूज हो जाएगा। और ये फैट जो है दुम्बे की फैट है जी, एग्जैक्टली। अच्छा, वो कहाँ से लाएंगे भाई, दुम्बा नहीं है अगर तो, बकरा हमने ज़बह किया है फिर क्या करेंगे, वो पहले से मंगा के रख लें दुम्बे की फैट? बिल्कुल, वो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, बूचर शॉप से, ठीक। ये देखिए, ये जरा मुझे दिखाइए आप। हाँ, ये आपने जिस तरह पिरोया और फैट, तीन मतलब अगर आपने चार बोटियां लगाई हैं तो दो फैट के पीसेज हैं, ठीक है।